Hello students, today we will start reading of history. In history, there are 8 chapters in our history book, but we will do only 4 chapters because 4 chapters are omit. We will do first 3 chapters and 4th and 5th chapters. We can do both, but they are optional. 4th and 5th chapter in option, we can do 4th chapter or we can do 5th chapter. This is based on our choice. Let us start our first chapter, the French Revolution, Francisi Kranti. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. जो morning में क्या था कि 1789 में जो सिटी ऑफ पैरिस स्टेट क्या थी, अलार्म पे थी, मतलब कि उसमें क्रांति शुरू हो गई थी, सब जागरूक हो गए थे. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो किंग था वो कमांडेड क्या कर रहा था, सैनिकों के साथ मूव कर रहा था सिटी के अंदर. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. क्या अफवाहें, र्यूमर्स होती हैं अफवाहें, क्या अफवाहें फैल गई थी कि आर्मी को ऑर्डर दिया गया है कि वो सिटीजन्स के ऊपर क्या करेंगी, फायर करेंगी. सम 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन. तो इसी के लिए क्या हुआ, 7,000 जो औरतें थी और आदमी थे वो इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने. And decided to form a people's. वो डिसाइड किया कि पीपल का ग्रुप बनाएंगे, कौन सा, मिलिटिया. They broke into a number of government buildings in search of arms. अब उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया और वो क्या करेंगे, तोड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बना रखी और वहाँ से हथियारों को ले लेंगे. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. तो finally क्या हुआ कि कुछ 100-200 लोगों ने क्या किया, मार्च किया किसकी तरफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ. एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन. धावा, स्टॉर्म्ड का मतलब होता है धावा बोल दिया. फोर्ट्रेस प्रिजन, जो किले के ऊपर जेल बनी हुई थी, जिस जेल का क्या नाम था, बस्ताइल. वेयर दे होप्ड टू फाउंड होर्डेड एम्युनेशन. अब उनको, उनकी आशा क्या थी कि उनको क्या मिलेगा, जो धावा बोला था कि वहाँ पे उन्होंने अपना जो गोला बारूद है, होर्डेड एम्युनिशन का मतलब होता है जमा किया हुआ गोला बारूद. इन द आर्म्ड फाइट दैट अलाउड, जो ये आर्म थी, उन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको अलाउ किया गया. द कमांडर ऑफ द बस्ताइल वॉज किल्ड. क्या बताया गया कि जो कमांडर है बस्ताइल का वो मारा गया था. एंड द प्रिजनर्स रिलीज, जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया गया. दो, देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, बल्कि अब वहाँ पर केवल कितने थे, 7 ही थे. यट द बस्ताइल वॉज हेटेड बाय ऑल. जो बस्तील थी उसको हेट किया जाता था, क्योंकि वो जेल थी ना, उसमें लोगों को, ऐसी जेल थी कि मतलब कि छोटे छोटे रूम्स बने होते थे और काफ़ी एक जेल के अंदर क्या किया जाता, काफ़ी सारे लोगों को बंद कर दिया जाता था. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. ये क्या थी, डिस्पोटिक का मतलब जो राजा था, जो निरंकुश, मतलब कि जो अपने ही रूल चलाता, उसकी पावर थी किंग की. द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड. अब फोर्ट्रेस था, जो किला था इसको, ये जेल थी, इसको गिरा दिया गया. एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, जो इसके स्टोन थे वो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे. वर सोल्ड इन द मार्केट, सब उनको बेचा जा रहा था मार्केट में. टू ऑल दोज, मतलब कि जिन पीपल ने इसको तोड़ा था वो उठा के ले गए थे. हु विश टू कीप, कुछ ने इस क्या किया, अपने पास रखा. अ सोवियनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, वो यादगार में निशानी बना के रखना चाहते थे इस तबाही की. द डे दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. अब ये काफ़ी जो ये इस डे को फॉलो करते हुए क्या हुआ, दंगे, रायटिंग्स का होता है, दंगे फैल गए पेरिस के अंदर और कंट्री साइड, कंट्री के अंदर.
मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस. और मोस्ट पीपल ने क्या किया, किसका विरोध कर रहे थे, कि ब्रेड के जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन हिज टाइम, तो हिस्टोरियंस ने पीछे के टाइम पे देखा, दे सा इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स. ये क्या थी, कैसे देखा, कि ये शुरुआत थी दैट अल्टीमेटली लेड टू एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन जो जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, उसकी कार्य कैसे कार्य किया था राजा ने फ्रांस में. दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट. इस टाइम पे क्या था, ज़्यादातर पीपल के पास ना तो इस टाइम पर क्या था, उनकी आशा ही नहीं थी, उनकी जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो ख़त्म हो चुकी थी. हिज आउटकम, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन. अब ये जो क्रांति छिड़ी थी ये कैसे हुई थी, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे. पहले हम इसमें जो टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब कि 18th सेंचुरी, मतलब कि जो रिवॉल्यूशन होने से पहले जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो कैसी थी. इन 1774 में क्या हुआ, जो लुई 16 था, बर्बन फैमिली से था, उसको किंग असेंडेड, किंग का ताज पहनाया गया, थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का. ही वॉज 20 साल का था एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी. उसको क्या किया गया, जो ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस थी उसके साथ उसकी शादी की गई. अपॉन हीज असेशन, असेशन का मतलब जो ये राज्याभिषेक था, द न्यू किंग फाउंड एट एन एम्प्टी ट्रेज. उसने क्या देखा जब वो राजा बना, कि जो खजाना है जहाँ पे राजा का धन होता है, छुप रखता है, वो सारा का सारा खाली है. लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, और ये किसके लिए, वो लंबे समय से युद्ध लड़ता रहा था. हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, उसने ड्रेन्ड का मतलब खाली कर दिए थे जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के. एडिड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट, और इसमें ऐड भी किया गया, किसको, किसकी कॉस्ट मेंटेन की गई. एक्स्ट्रावेजेंट होता है जो फिजूल खर्च किया जाता है कोर्ट के ऊपर, एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई, जो पैलेस था वर्साई पे जो फिजूल खर्ची की गई थी. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन. अब जो लुई 16 ने क्या की, हेल्प की फ्रांस की, कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या करेगा, वो गेन करेगा डियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी. उस टाइम उसकी कॉमन एनिमी क्या थी, ब्रिटेन थी. द वॉर एडिड मोर देन अ बिलियन लीवर्स. लीवर्स का मतलब होता है, जैसे हम डॉलर बोलते हैं ना, करेंसी, ये करेंसी होती है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है. टू अ डेब्ट, उसने उधार ली, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स. अब ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, $2 बिलियन तक बढ़ गई थी. लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो लैंडर्स थे, जो उधार देने वाले थे, उनको क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. उन्होंने 10% ब्याज लगाना शुरू कर दिया. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स एलोन. अभी भी जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसको वो तैयार थी, जो खर्च कर रही थी, जो परसेंटेज वो इंक्रीज होती जा रही थी, जो बजट थी ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स एलोन, वो अकेले ही उनको यूज कर रही थी. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसिस सो सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जो ये रेगुलर खर्चे भी पूरा करती थी उससे जो उधार ले रखा था, साथ के साथ क्या मेंटेन करती थी, आर्मी को, कोर्ट को, रनिंग गवर्नमेंट को, ऑफिस चलाने के लिए एंड यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए. द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अब इंटरेस्ट जो इन टैक्सीज की है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा. येट इवन द मेजर्स वुड नॉट हैव सफिस्ड. अब ये जो माना गया कि अब उन्होंने जो टैक्स इंक्रीज किए ये भी अभी पूरी तौर पर सही नहीं थे, मतलब कि उनकी भरपाई नहीं हो रही थी. फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड. अब फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट में बांट दिया गया एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd एस्टेट, उनको क्या बोला गया कि जो 3rd एस्टेट के मेंबर्स हैं वही टैक्स को पे करेंगे.
द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम, जो सोसाइटी थी फेडरल सिस्टम का, भू दासत्व, बल्कि भू अपनी धरती के दास बना के रखा जाता था उनको, एंड डेटेड बैक टू द मिडल एजेस, और किसको डेट किया गया, जो मिडल एजेस थी। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी, एंड जो ओल्ड रिजाइम का मतलब जो पुराने चेंजेस थे उसको यूज किया गया, डिस्क्राइब करती है कि सोसाइटी कैसी थी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 से पहले कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी और इंस्टीट्यूशंस कैसे थे। हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज, जो सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, पीजेंट्स मेड अप ऑफ, जो पीजेंट्स थे 90% था पॉपुलेशन का, However, only a small number of them owned the land they cultivated. कुछ ही लोगों के पास अपनी जमीन थी जिसको वो cultivate कर सकते थे। About 60% of the land was owned by, 60% के मालिक कौन थे, nobles थे, the church and the other richer member थे third estate. The members of the first two estate, जो member थे first, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth, वो enjoy कर रहे थे जन्म से जो अधिकार थे। The most important of these was exemption, most important क्या था, exemption, उनको छूट थी वो from paying taxes, उनको tax pay ही नहीं करने थे state को। The nobles further enjoyed feudal privileges, अब उनके पास nobles के पास जमीनें थी तो उन्होंने भूमि के दास बना के रखा हुआ था peasants को। These included feudal dues which they extracted from the peasants. अब जो ये dues थे उन्होंने क्या कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था peasants से। Peasants were obliged to render service to the lord. अब peasants को क्या बोला जाता था, peasants क्या कहते थे, वो तैयार हो जाते थे service देने के लिए lord अपने मालिक के लिए। To work in his house, अपने उसके घरों में भी काम करेंगे और खेतों में भी काम करेंगे। To serve in the army, अब उनको आर्मी में भी भेजा जाता था, और to participate in building roads, और रोड बनाने के लिए भी उनको उनसे काम करवाया जाता था। The church too extracted its share of taxes called tithe. अब जो ये जो taxes लिए जाते थे उसको tithe बोला जाता था, from the peasants से जो लिए जाते थे। जो टाइथ कैसे लिया जाता था, जो फसल होती थी उनकी उसका हिस्सा बना दिया जाता कि 1/10 होगा, वो क्या करेंगे, उनका हिस्सा जो चर्च हेडमैन है उनको देना पड़ेगा। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, बल्कि जितने भी मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के उनको पे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया जाता था कॉल्ड टैली। टैली इसमें क्या किया जाता था, मान लो जैसे आप बिस्किट वगैरह लेने गए, टूथपेस्ट ले रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, आप इसमें डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर दे लिव्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ, इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे आर्टिकल्स के ऊपर, एवरीडे जो कंजप्शन थी, लाइक सॉल्ट और टोबैको, सॉल्ट और टोबैको पर। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. और ये क्या किया गया था, थर्ड जो एस्टेट थी इसको ही पे करना पड़ रहा था जितने भी जो फर्स्ट में हमारे जो चर्च थे हेडमैन आते थे, सेकंड में नोबल्स और नोबल्स आते थे जो क्लर्जी थे, और जो थर्ड एस्टेट में जितने भी हमारे मिडिल क्लास लोग थे, फिलोसफर्स, टीचर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन, या फिर जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, ये सारे के सारे थर्ड एस्टेट में आते थे। जो नॉर्मल पीपल थे, वुमेन थी, ये सारे के सारे, इन्हीं को क्या करना पड़ता था, टैक्सेस पे करना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।